नमस्कार, जीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। बाराबंकी जनपद के स्वच्छग्राही श्रमिकों के प्रोत्साहन राशि भुगतान में भारी घोटाले की संभावना साफ नजर आती है। चार दिन से लगातार गन्ना दफ्तर में धरने पर बैठे स्वच्छग्राही, लेकिन जिला स्तर का कोई सक्षम अधिकारी उनकी समस्याओं मांगों के बारे में जानने नहीं पहुँचा। जबकि स्वच्छग्राहियों का कहना है कि 23 अक्टूबर को जिला अधिकारी के माध्यम से अल्टीमेट दे दिया गया था कि 30 तारीख तक यदि श्रमिकों के प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो 30 तारीख से जनपद स्थित गन्ना दफ्तर में जनपद भर के स्वच्छग्राही धरना प्रदर्शन करेंगे। चौथे दिन जब जीएनआई न्यूज चैनल के अयोध्या मंडल ब्यूरो चीफ दिनेश कुमार वर्मा ने जिला पंचायत राज अधिकारी से फोन पर वार्ता की तो उन्होंने बताया कि हमारे संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में संपूर्ण जानकारी करने के बाद ही कोई वर्जन दे सकता हूं। विस्तृत सूत्रों की माने तो 32 लाख रुपया स्वच्छग्राही श्रमिकों के भुगतान के लिए प्रोत्साहन राशि शासन से प्राप्त हुई। इस धनराशि का भुगतान किसको किया गया कुछ अता पता नहीं है। इसके बारे में विशेष जांच की आवश्यकता है। यदि गहनता से जांच की जाए तो बड़े बड़े अधिकारी, सफेदपोश नेता इसमें संलिप्त पाए जाएंगे। आइए देखते हैं अयोध्या मंडल ब्यूरो चीफ दिनेश कुमार वर्मा की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेनआई न्यूज। बाराबंकी जनपद के गन्ना प्रांगण में स्वच्छाग्राही धरना प्रदर्शन में एक अनोखा अंदाज में सफाई कर रहे हैं, जिससे कि सरकार चेते, अधिकारी चेते और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। गन्ना दफ्तर में स्वच्छाग्राही झाड़ू लगा करके प्रतीकात्मक रूप से जो है सफाई अभियान चला रहे हैं। उनका मानदेय प्रोत्साहन राशि पिछले कई सालों से बकाया है, इसके संबंध में लगातार चार दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। शासन प्रशासन के कारण पर जू नहीं रह रही है।